देसी बिजनेस आईडी की तरफ से सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज हम जा रहे हैं, जैसे आपको देख रहे हैं, मैं इस टाइम अजमान के अंदर पहुंच चुका हूं और आपको मैं रोड देख सकते हैं। हम जा रहे हैं इस वक्त, जैसे कि एक बहुत शोर मचा हुआ है ना यूई के अंदर कि हर बंदा कहता है कि मैंने गाड़ियों का कारोबार करना है, करना कारोबार का, तो आज एक शोरूम में जा रहे हैं। मैं कहा इसकी मतलब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस चैनल पर कि कहाँ से आप ले सकते हैं। ये जितने भी शोरूम बेसिकली होते हैं ये दूर दराज जगह पे होते हैं, या शारजा में आपको दूर दराज में जगह पे मिलेगा, या अजमान में दूर दराज जगह पे क्यों मिलेंगे, दांव के वहाँ पे इनके रेंट कम होते हैं, तो वहाँ पे ये गाड़ियाँ ले आके स्टार्ट कर देते हैं कि भाई आके चेक गाड़ी चेक करें, अच्छी लगती है तो लेके जाएं, सही है। फिर उसको लेने के बाद आपकी ये एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हैं, सही है, या ये तो आपसे मांग लेंगे फसल में एक चीज़ का 10,000 मांग लेते हैं, अभी आप ही 10,000 दोगे तो कभी भी वो चीज़ नहीं, फायदा नहीं है, मे बी मार्केट में उसकी कीमत 9,000 की हो, सही है। तो आपने यहाँ से कोशिश करनी है कि हम चीज़ लेनी है 7,000 या 8,000 के दरमियान में आपने लेके जानी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट हमने कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप में। जमा रखिए पूरा गाड़ी, जो दो गाड़ी इधर चला हुआ है पूरा फिर जापानी जो तुम माहौल से आज हम गाड़ी चेक करने आए हैं, तो आपको साथ में ये भी बताते चले कि हमने गाड़ी चेक करने कैसे करनी होती है। फर्स्ट लुक तो आप आउटसाइड इसका चेक कर सकते हैं, पेंट, इसकी बॉडी, ठीक है, वो चेक कर लें, इसमें भी आपको इस चीज़ नजर ऐसा ना हो, ठीक है। उसके बाद जब अंदर बैठते हैं फिर इसका गाड़ी का रूम देखें, ठीक है, इसका रूफ टॉप देखें, पोशिश देखें, मतलब ये चीज़ भी ऑफकोर्स मैटर करती है, ठीक है। तो बाकी बोनट शोनट देख लिया करें, कई दफ़ा बोनट जो होता है ना इसका डैमेज होता है, तो बोनट का ये हटा कर देख लिया करें कि यार बोनट का कोई मसला मसाइल तो नहीं है, तो ठीक है बोनट आपका। तो डैशबोर्ड ऑफ कोर्स अब डिपेंड करता है कि आप अच्छी गाड़ी लग्जरियस गाड़ी लेने जा रहे हैं, डैशबोर्ड देखेंगे, वरना डैशबोर्ड का आपको ऐसा आप सोचेंगे यार मुझे इकोनॉमिकल गाड़ी चाहिए, डैशबोर्ड का जरूरत नहीं है। स्टार्ट करें, ओके, सो हम देखते हैं बोनट खेलते हैं। बोनट खोलते हैं जी, देखते हैं बोनट क्या कुछ क्या कंडीशन है। ओके जी, तो रफी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने बेसिकली देखना ये होता है कि कोई काम तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है, कुछ रिपेयरिंग का काम तो नहीं हुआ हुआ। अगर कोई चीज़ मतलब आपको लगता है कि कुछ चीज़ उन्होंने बाद में फिक्स की है, ठीक है, वो चीज़ें आपने देखनी है। तो मोस्टली आप इसकी जो है चेसी जो है बॉडी वो देख लें, कहीं पर डैमेज थी या बाद में, ये सील है, ठीक है, ये आपने सील जिसकी लास्ट में देखनी है कि सील होनी चाहिए, ये वाली सील प्रॉपर कंपनी सील होती है, अगर बाद में रिपेयर हुई है तो ये सील कभी भी वापस इस तरह से नहीं लगी होती, ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। माउंटिंग देख लें गाड़ी की, माउंटिंग ठीक है, वो तो ऑफकोर्स जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपको समझ आएगी माउंटिंग का। तो बाकी बस रफली आप इसकी बॉडी देख सकते हैं, ठीक है जी, कहीं भी एक्सीडेंटल नहीं है, कहीं से भी वो मतलब फिक्स नहीं होगी। Maybe know which what's the location, like somebody want to come here to buy a car, so what should we tell them where they have to come? Come to Thoban area. Thoban, yeah, after date. Yeah. This is the Manama U-turn, after okay. Manama. After Manama U-turn? Yes, you will Thoban. See the petrol, yes, Thoban. The petrol Enoch, station. Enoch petrol station. It's in the opposite side. Thoban area and after Manama. Enoch. Yes. Enoch, and here at Enoch petrol pump near Enoch. 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 Not Enoch. Enoch. Okay. Other side. ये मैं जी आपको सब एक लोकेशन दिखा रहा हूँ, और तो ये गैरेज जैसे ही है, इस गैरेज के बाहर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, सही है, ये गैरेज का मैं आपको नंबर भी यहाँ पे शो करने के खड़े, सामने वो गाड़ियाँ सब बड़ी खड़ी हैं इनकी, सही है जी, आपकी मर्ज़ी है आना चाहते हैं, पहले याद रखिएगा कि हम खुद यहाँ पर गाड़ी लेने के लिए आए हैं, सही है, मेरा कोई ये कारोबार नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ कि अगर आप भी लेना चाहते हैं, आप इन्हें डिस्कस करें, देखें पसंद आती है वेल एंड गुड, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, मेरा काम था आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, मैंने पहुँचा दिया, क्योंकि लोग कहते हैं हमने गाड़ियाँ लेनी हैं, कहाँ से लें कैसे लें, बाकी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।